कानपुर देहात में जिलाधिकारी नेहा जैन ने प्रातः 9 बजे जिला चिकित्सालय अकबरपुर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ओपीडी में बाल रोग विशेषज्ञ, कान नाक गला हड्डी रोग चिष्ट रोग चिकित्सक, फिजिशियन चिकित्सक अनुपस्थित मिले। जिलाधिकारी ने सीएमएस पुरुष डॉक्टर आरपी गुप्ता पर कड़ी फटकार लगाते हुए ओपीडी 100% पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सक समय से अस्पताल में उपस्थित होकर मरीजों का सही प्रकार से इलाज कर इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अनुपस्थित चिकित्सकों से स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश मुख्य चिकित्साधिकारी को दिए हैं। ओपीडी में 105 पर्चे बने पाए गए हैं। जनरल वार्ड का निरीक्षण करते समय 33 मरीज भर्ती पाए गए। उन्होंने उपस्थित चिकित्सकों को निर्देशित किया कि जनरल वार्ड में मरीजों के इलाज में कोई लापरवाही न की जाए, मरीजों को अस्पताल से दवा आदि उपलब्ध कराएं, सभी लोग कोविड-19 का पालन करते हुए मास्क सैनिटाइजर का उपयोग अवश्य करें। इसके पश्चात उन्होंने ब्लड बैंक जांच केंद्र का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ब्लड बैंक में उपस्थित चिकित्सकों को निर्देशित किया कि ब्लड बैंक में ब्लड की कमी ना होने पाए तथा जरूरतमंदों को समय से ब्लड उपलब्ध कराएं। वहीं उन्होंने जांच केंद्र का निरीक्षण करते हुए संपूर्ण जांच व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। इसके पश्चात उन्होंने आयुष्मान कार्ड कक्ष का निरीक्षण किया, जहां पर उपस्थित चिकित्सक आयुष्मान कार्ड से होने वाले उपचार के बारे में सही जानकारी न देने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संपूर्ण जानकारी रखे जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएं तथा आयुष्मान कार्ड से इलाज का लाभ भी लोगों को दिया जाए। इसके पश्चात उन्होंने ट्रामा सेंटर का भी निरीक्षण किया, जहां उन्होंने अर्थो चिकित्सक कक्ष में पहुंचकर उपस्थित चिकित्सक ओम देव को निर्देशित किया कि अस्पताल में आने वाले मरीजों का इलाज में किसी प्रकार की लापरवाही ना की जाए। वहीं उन्होंने कोविड कक्ष का भी निरीक्षण किया तथा जिलाधिकारी ने संपूर्ण व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश सीएमएस को दिए। वहीं उन्होंने जिला चिकित्सालय अकबरपुर में मेडिकल कॉलेज के बन रहे पार्ट नर्सिंग गर्ल्स हॉस्टल का भी निरीक्षण किया तथा उपस्थित प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्माण कार्य में धीमी गति पाए जाने पर निर्देशित किया कि कार्य में तेजी लाएं तथा समय से प्रोजेक्ट पूरा करें। इसके पश्चात उन्होंने आयुष विंस चिकित्सालय का निरीक्षण किया, जहां पर साफ सफाई एवं अव्यवस्था पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए साफ सफाई कराए जाने एवं संपूर्ण व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने डायलिसिस सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 4 मरीज भर्ती पाए गए। इस पर जिलाधिकारी ने भर्ती मरीजों का सही से इलाज करने के निर्देश दिए तथा कहा कि इसका लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें, जिससे कि इसका उपयोग सही प्रकार से किया जा सके। क्या नाम है उसका? बता आपको निकाला।